नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी भैया क्या मार मारा है बांग्लादेश के बॉलरों को, घुमा घुमा के चौके छक्के मारे हैं, बहुत मार मारा है भाई। 34 बॉल में 76 रन, 217 का स्ट्राइक रेट, 7 गगनचुंबी छक्के और 4 बेहतरीन चौके लगाते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि भैया बांग्लादेश इस पारी के लिए रेड्डी नहीं थे। नीतीश कुमार रेड्डी का भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम में स्वागत अभी पहले मैच में ही हुआ था और आज उनका रुद्र रूप देखने को मिल ही गया। भाई साहब, बांग्लादेश का कैप्टन सदमे में आ गया कि भैया उसके लिए लाएं तो लाएं किस बॉलर को जो उसे रोक सके या आउट कर सके। भैया जो बॉलर आ जाए सामने सब कुटाए जा रहे थे। रेड्डी साहब ये भी नहीं देख रहे थे कि हाँ भैया तेरा रिकॉर्ड अच्छा है, बॉलिंग में तो थोड़ा ही डरने की ज़रूरत है। भैया सब कुटाए हैं बारी से एकदम बराबर। रेड्डी ने तो मैदान में तूफान ला दिया भैया, तूफान। स्टेडियम में भी उनके लंबे लंबे छक्कों को देखकर मुनादी करा दिया गया कि भैया अगर स्टेडियम में आते हो तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ हेलमेट जरूर लेके आए, क्योंकि ये भारतीय बैट्समैन है, बहुत लंबा लंबा छक्का मारता है। लेकिन भैया एक चीज़ देख के आप सभी डिसअपॉइंट हुए होंगे, वो है संजू सैमसन। यार क्या बोले उनके लिए, मौके पे मौका मिल रहा है उन्हें, फिर भी उसका उपयोग वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट मैच में भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए थे, आज दूसरे मैच में भी फुस हो गए। भैया जब टीम में आपका स्थान कंफर्म नहीं है तो आपको अपनी ज़रूरत महसूस करानी पड़ेगी, तभी आप हमेशा के लिए टीम में बने रह सकते हैं। आप मैं सब संजू के लिए सोशल मीडिया में रोज लगे रहते थे कि भैया एक क्रिकेटर है जिसको टीम में लो, बेहतरीन खिलाड़ी है, इंडियन क्रिकेट को ऊंचाइयों में लेके जाएगा ये खिलाड़ी। लेकिन कहाँ भैया, उम्मीद लगा के बैठे हैं उसके तूफानी पारी के लिए, लेकिन डिसअपॉइंट हो रहे हैं। लेकिन भैया नीतीश कुमार रेड्डी तो तूफानी बल्लेबाजी करके ये बता दिया कि भैया इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य काफ़ी सुरक्षित हाथों में है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। वैसे दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करते जाओ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।